हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए,